चालू हो गया है ना। गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। सांख्यिकी की आपकी कक्षा में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। काफी सारे बच्चे आ रहे हैं, दयानंद प्रजापति अभी, सुभाष यादव, भानु मिश्रा, अमित, अंकिता। ये देखिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन बच्चे ज्यादा रुचि नहीं ले पा रहे हैं। अगर जिनको एसआई देना है तो एक एक क्वेश्चन उनके लिए बड़ा कीमती है, तो इस बार फाइट जो है आपके यूपीएसआई में जबरदस्त होने वाली है, इसलिए ईमानदारी से आप लोगों पढ़ना है, कहीं लापरवाही किसी को कोई भी दिखानी नहीं है। चलिए तो आज का टॉपिक बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा विक्षेपण की माप। हेडिंग दे दीजिए, विक्षेपण की माप। मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ध्यान दीजिएगा, विक्षेपण की माप, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। बच्चों ये इंग्लिश का वर्ड जो डिस्पर्स दिखाई दे रहा है, डिस्पर्स मतलब होता है बिखराव, फैलाव, स्कैटरिंग। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, इससे पहले मैंने आपको बताया था केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने आपको माध्य, माधिका, बहुलक ये निकालना बताया। कोई डेटा दिया गया है उसकी सेंट्रल वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया है। माध्य, माधिका, बहुलक ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा रखा है। यहां मैं क्या सिखाऊंगा आपको, एक एग्जाम्पल द्वारा देखिए इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा। विक्षेपण की माप, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान से देखिए। जैसे किसी एग्जाम में किसी बच्चे को, एक बच्चे को मिला 10 मार्क्स, किसी को मिला 15 मार्क्स और किसी को मिला 45 मार्क्स। क्लियर है, एग्जाम्पल से देखिएगा। अगर मैं इसके सेंट्रल टेंडेंसी की बात करूं और बोलूं कि अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो इसका जो अर्थमेटिक मीन एक्स बार होगा, पता है एक्स बार से अर्थमेटिक मीन निकलता है, वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 50, 60, 70, 35। सही है, क्लियर है। ये इन दिए गए डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी है, मतलब हमने यहां पर सेंट्रल टेंडेंसी में कई हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये सब माध्य कहलाते हैं। मैंने माध्य निकाला, माध्य में वो भी समांतर माध्य निकाला, ये आया 35। क्लियर है, ये निकाल लिया आपने 35। अब देखिए बच्चों, ये जो वैल्यू है आपकी 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 45 मार्क्स, इस 35 से कितने बिखराव पे, कितना डिस्पर्स हुई है, कितना विक्षेपित हुई है, वो आइए हम चेक करते हैं। ये जो 10 मार्क्स है ये क्या है बच्चों, कितना कम है, 25 कम है। ये 15 मार्क्स जो है ये कितना कम है बताइएगा, 20 कम है। ये जो आपका 45 मार्क्स है इससे कितना ज्यादा है बताइए, 10 ज्यादा है। तो बच्चों यहां पर 25 कम, 20 कम और 10 ज्यादा वाला ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाता है कि ये जो गिवन डेटा है उसके मीन से, मीन वैल्यू यहां पर कुछ भी हो सकता है, मीन, मीडियन, मोड, मतलब अर्थमेटिक मीन मीडियन भी हो सकता है और मोड भी हो सकता है। हमने इसको कंपेयर किया है अर्थमेटिक मीन से, अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य से, ये जो आपका मार्क्स है 10, ये आपका 20 कम है, सॉरी 25 कम है, ये आपका 20 कम है और ये कितना है, 10 ज्यादा है। सही है, ये इनका बिखराव है, ये इनका क्या है, बिखराव है। हर एक बच्चा देखिएगा, एक मिनट, थोड़ा सा सुशील सर का फोन आ रहा है, बच्चे की तबीयत सही नहीं है, बात कर लूं एक मिनट। हाँ सर,
हैं आपको। चलिए ध्यान दीजिए, सुशील सर के बच्चे की तबीयत थोड़ी अचानक खराब हो गई जन्म लेने के बाद 2 घंटे बाद, तो आप लोग प्रार्थना करें बच्चा स्वस्थ हो जाए जल्दी से जल्दी। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि जो हमारे वेरिएट्स की वैल्यू है, जो ये सब चर का मूल्य दिया हुआ है 10, 15, 45, ये जो माध्य मूल्य है आपका ध्यान से देखिए 35, 35 से इसका कितना बिखराव है। बच्चों देखिएगा, एक जो फिगर है आपका 10, ये ज्यादा दूर है, 10 देखिएगा ज्यादा दूर है। आपका 15 इससे थोड़ा कम दूरी पे है, लेकिन जो 45 है इससे क्या है, बहुत कम दूरी पर है। ध्यान से देखिएगा, ये ज्यादा दूरी पर है, कोई कम है या ज्यादा है उससे मतलब नहीं है। जैसे ये 35 से कम है, ये भी कम है और ये ज्यादा है, तो इस माइनस प्लस का यहां कोई मतलब नहीं होता, इसको प्लस में ही कंसीडर करते हैं। दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। भले हमने यहां पर माइनस लिखा है, लेकिन इसको कंसीडर क्या किया जाएगा, प्लस में ही कंसीडर किया जाएगा। दूरी हमेशा क्या होगी, आपकी धनात्मक ही होगी। तो हम यहां जो डेविएशन चेक कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जो इसमें विचलन हो रहा है, जो अपने जगह से 35 से ये कितना विचलित हो रहा है, हम ये चेक कर रहे हैं। तो एक फिगर के माध्यम से मैंने दिखाया है 35 से 10 ज्यादा दूर है और 15 अपेक्षाकृत 10 की अपेक्षाकृत कम दूर है, आया समझ में, और 45 इसके क्या है, ज्यादा करीब है। बच्चों तो ये जो है इसका बिखराव है, ये जो वेरिएट्स हैं इसका क्या है, बिखराव दर्शा रहे हैं। अगर आपके मीन की वैल्यू, सुन लीजिएगा, मीन कोई भी टाइप का हो, वो अरिथमेटिक मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, अगर आपके मीन की वैल्यू से बिखराव ज्यादा है, तो वो डेटा जो होता है इनकंसिस्टेंट होता है, असंगत होता है, बढ़िया डेटा उसको नहीं माना जाता। अगर बिखराव कम है तो वो डेटा क्या होता है एनालिसिस करने के लिए, कंसिस्टेंट होता है, संगत होता है। थोड़े छोटे मोटे इंग्लिश के टर्म यूज किए जाते हैं, उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे आप लोग, समझिएगा। बिखराव ज्यादा होगा तो डेटा आपका क्या होगा, जो गिवन डेटा है वो एनालिसिस में क्या होगा, असंगत होगा। आई बात समझ में? और अगर बिखराव कम है, दूरियां कम होती हैं, अगर इस मीन वैल्यू से, मीन वैल्यू में कोई भी कंपेयर करने के लिए ले सकते हैं, मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, अगर बिखराव कम है तो डेटा परफेक्ट माना जाता है, कंसिस्टेंट माना जाता है, यानी कि संगत आंकड़ा माना जाता है। आगे बात समझ में? तो डिस्पर्शन क्या है, बिखराव को दर्शाता है। देखिए, ये आपका वेरिएट दिया हुआ है किसी एग्जाम में, मान लिया मुझे अलग अलग पेपर्स में 10 नंबर 15 नंबर और 45 नंबर मिले हैं। ध्यान से देखिएगा, ये एक हमारा डेटा दिया गया है, हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से। इसका हमने मीन निकाला, अर्थमैटिक मीन यहां हमने लिया। मीन का मतलब बच्चों सारे मीन होते हैं, चाहे वो मीन अर्थमैटिक में हो, चाहे मीडियन हो, चाहे क्या हो आपका, मोड हो, लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी में सबको क्या, अगर बोल रहे हैं तो सबको मीन बोलेंगे, लेकिन अगर अलग से कहीं मीन दिया गया है आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो उसको अर्थमेटिक मीन ही मानिएगा। ये सारी चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आपका 35 जो है, 35 आपकी सेंट्रल टेंडेंसी आ गई, ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल वैल्यू आ गई, सेंट्रल वैल्यू से ये 25 कम है, ये 20 कम है और ये 10 ज्यादा है। तो ये माइनस प्लस का रोल नहीं है, यहां जो दिया गया है हमने माइनस लगाया, इस माइनस का कोई रोल नहीं, बस हमको देखना है कि बिखराव क्या है, कितनी दूरी पर है, ये यहां पर डेविएशन क्या है, विचलन क्या है। देखिए, ये ज्यादा दूर है 10, ये आपका थोड़ा अपेक्षाकृत 10 की तुलना में कम दूर है, और ये 45 क्या है आपका, 45 आपका बच्चों बताइए बहुत करीब में है। तो इसी चीज को बच्चों हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन में पढ़ेंगे, आगे बात समझ, मेजर ऑफ डिस्पर्शन यानी कि विक्षेपण की माप पे पढ़ेंगे। अगर देखिए, ये 25 20 10 आ गया, ये डेविएशन आ गया, अगर इसको जोड़कर हम 3 से भाग कर दें तो क्या आ जाता है, मीन डेविएशन आ जाता है। तो इसी विक्षेपण की माप को बच्चों हम मेनली 2 तरीके से निकालना सीखेंगे, है तो कई सारे तरीके, लेकिन हम लोग मेनली फोकस करेंगे एक माध्य विचलन पे और एक मानक विचलन पे। ये 2 चीजें हम लोगों को पढ़नी है,
माध्य विचलन और मानक विचलन। आ गया समझ में? ये विक्षेपण की माप क्लियर हो गया। विक्षेपण की माप हम दो तरीके से ज्ञात करते हैं, एक आपका माध्य मेनली जो हमें पढ़ना है, हम दो प्रकार से ज्ञात करना सीखेंगे, पढ़ते नहीं है, केवल दो प्रकार नहीं होता है, क्वार्टाइल डेविएशन भी होता है और भी होते हैं, तो हम लोग को एग्जाम के लिए पढ़ना है केवल दो, माध्य विचलन और मानक विचलन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, दो चीजें पढ़ना है। आज हम लोग मीन डेविएशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका, कल पढ़ेंगे मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से, मैं कुछ बच्चों के क्वेश्चंस भी हैं रिप्लाई करूंगा, बैच से रिलेटेड है, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लूंगा आपके सामने, ये जो होता है आपका विक्षेपण की जो माप होती है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है, ये बच्चों द्वितीयक कोटि का एनालिसिस करने का सिस्टम होता है। सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे देखिए मेरे मार्क्स 90% है किसी एग्जाम में और आपके मार्क्स 80% है, एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो मैं आपसे बेहतर हूं, एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो मैं आपसे बेहतर हूं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसमें डिस्पर्शन के हिसाब से हम चेक करें तो बच्चों हो सकता है कि आप बेहतर हो, मेरे से बेहतर हो, 80% लाकर भी आप बेहतर हो सकते हैं। वो डेटा एनालिसिस की बात है बच्चों, ये ज्यादा परफेक्ट एनालिसिस देता है आपका, ये आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो मैंने पढ़ा है मीन मीडियन मोड, उससे भी परफेक्ट एनालिसिस करने के लिए आपको चीजें प्रोवाइड कराता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जैसे मैं 90% हूं, हो सकता हूं मैं आपसे खराब हूं, कारण दिखाता हूं खराब का और अच्छा का। देखिएगा, मेरे 90% है, एक सब्जेक्ट में मैं पाया हूं ए, ए 90 से इतनी दूरी पर दिखाई दे रहा है, दूसरे सब्जेक्ट में मैं पाया बी, ध्यान से देखिएगा, और एक सब्जेक्ट में मैं पाया बच्चों क्या सी, ध्यान से देखिए, और आप है 80% मान लिया, ध्यान से देखिएगा, एक सब्जेक्ट में पाए हैं एक्स, दूसरे में पा गए वाई और तीसरे में पा गए जेड। अब बताइए किसमें बिखराव ज्यादा है, किस आंकड़े में बिखराव ज्यादा है, यहां बिखराव ज्यादा है कि यहां बिखराव ज्यादा है, हर एक बच्चा देखेगा, इसको थोड़ा और करीब कर दूं, सी, यहां बिखराव ज्यादा है कि यहां बिखराव ज्यादा है, बच्चों साफ दिखाई दे रहा है यहां पर बिखराव ज्यादा है, इसके वेरिएट ज्यादा दूरी पर है और इसके वेरिएट जो है सेंट्रल वैल्यू के, जो 80% है सेंट्रल वैल्यू उसके क्या है, बहुत पास पास में है, तो यहां बिखराव कम है, डिस्पर्शन यहां पर बच्चों क्या है, कम है, तो आप अच्छे हैं, 80% लाकर भी आप हमसे क्या है, अच्छे हैं। अगर देखा जाए सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से, बड़ा अजीब लग रहा होगा, अरे सर 80% वाला कैसे अच्छा हो जाएगा, तब तो सिलेक्शन होना हो जाना चाहिए। तो देखिए डेटा एनालिसिस के कई सारे सिस्टम होते हैं, ठीक है, जैसे आप कंसिस्टेंटली, ध्यान से देखिए, आप सब में करीब करीब बराबर मार्क्स ला रहे हैं किसके, सेंट्रल वैल्यू के, और मैं क्या कर रहा हूं, किसी में एक में ज्यादा ला दिया और मिस कम लाया, भले मैं थ्रू आउट 90% हो रहा हूं लेकिन मेरा परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगा, 90% लाकर भी मेरा परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, लेकिन आप कंसिस्टेंट हैं, ध्यान से देखिए आपके आंकड़े संगत हैं, आप ज्यादा बेहतर होंगे 80% लाकर भी। बात हमारी समझे कि नहीं? चलिए ठीक है, ये सब तो एक डिटेलिंग की बात थी, अब हम लोग अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे आएंगे। हम बता रहे थे विक्षेपण क्या है और विक्षेपण की माप क्या होती है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था वो क्या था, मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड बच्चों एनालिसिस का बहुत अच्छा सिस्टम नहीं होता है, फर्स्ट ऑर्डर का वो एनालिसिस सिस्टम होता है और ये सेकेंड ऑर्डर का है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो अब देखिएगा, हम लोग आएंगे यहां लिख देते हैं विक्षेपण की माप, यहां लिखते हैं, चलिए ठीक है ये लिखते हैं विक्षेपण की माप ज्ञात करने के लिए हम दो तरीके सीखेंगे, दो तरीके सीखेंगे। आ गया बच्चों समझ में? चलिए, एक है आपका, पहला क्या है, सॉरी चलिए ध्यान से देखिए, पहला जो सिस्टम है आपका वह है माध्य विचलन,
मीन डेविएशन, डेविएशन मीन डेविएशन। बच्चों दूसरा क्या है आपका, मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर है? क्या कर चलिए बच्चों, यहां पर एक चीज हमसे छूट रही थी, परिसर। चूंकि हम पहले पढ़ा चुके थे आपको, लेकिन यहां मेंशन फिर से करना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। परिसर वाली चीज यहां मेंशन करना जरूरी है। वैसे मैं स्टार्टिंग में पहली क्लास में ही परिसर आपको बता चुका हूं, तो इसको आप कर लीजिए थोड़ा सा करेक्शन। हम तीन तरीके कर लीजिए, तीन तरीके से सीखेंगे, ध्यान से देखिए। ये आपका पहला इसमें हो जाएगा परिसर, रेंज, रेंज बच्चों। दूसरा हो गया आपका माध्य विचलन, और तीसरा क्या है आपका, मानक विचलन। ये आपकी तीन चीजें हैं। क्वार्टाइल डेविएशन भी होता है, लेकिन वो सब हम लोगों को नहीं पढ़ना है। देखिए परिसर हम आपको पहले लेक्चर में बता चुके थे, कोई डेटा आपका दिया गया है, उसमें जो चर का अधिकतम मूल्य होता है और चर का न्यूनतम मूल्य होता है, इसका जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं बताइए, इसी को कहते हैं परिसर। क्लियर है सारे बच्चों को? तो आइए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए परिसर। किसी दिए गए आंकड़े में चर, चर यानी कि वेरिएबल, चर के अधिकतम एवं न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। परिसर यानी कि रेंज कहते हैं, सही है? चर मूल्य की बारंबारता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है, ध्यान से देखिए। जैसे कोई आपका वेरिएट चाहे जितनी बार भी आया हो, उससे मतलब नहीं है हमें। आपका केवल अधिकतम मान चर का और न्यूनतम मान, इसी का जो आपका अंतर होगा वही कहलाता है परिसर। तो बच्चों परिसर यानी कि रेंज क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएट माइनस लोएस्ट वैल्यू वैल्यू ऑफ वेरिएट, मतलब चर का अधिकतम मूल्य और चर का क्या होगा, न्यूनतम मूल्य। समझ में आ गया? हाईएस्ट वेरिएट माइनस लोएस्ट वेरिएट, क्लियर हो गया? ये हो गया परिसर। मेरे बच्चों इसके बाद एक और चीज आती है, परिसर गुणांक। परिसर ये कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है आपके एग्जाम में, लेकिन पूछ सकता है, कभी आया नहीं है। मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देखे हैं। परिसर गुणांक कोफिशियंट, सॉरी थोड़ा सा दूर लिखते हैं, रेंज कोफिशियंट, रेंज कोफिशियंट। ध्यान से देखिए ये क्या होता है, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। परिसर गुणांक बच्चों ध्यान से देखिए, ये परिसर हो गया, परिसर गुणांक क्या होगा, इज इक्वल टू हो जाएगा h माइनस l अपॉन h प्लस l।
ये परिसर गुणांक का सिस्टम हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, H माइनस L अपॉन H प्लस L, मतलब हायर वैल्यू ऑफ वेरिएट माइनस लोअर वैल्यू ऑफ वेरिएट अपॉन में हायर वैल्यू ऑफ वेरिएट प्लस लोअर वैल्यू ऑफ वेरिएट, ये हो जाएगा। चर का अधिकतम मूल्य माइनस चर का न्यूनतम मूल्य बटा में चर का अधिकतम मूल्य धन चर का न्यूनतम मूल्य। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है। ये हो गया बच्चों परिसर गुणांक, कोफिशियंट ऑफ रेंज बच्चों, क्लियर हो गया। अब चलिए आ जाइए, रेंज कोफिशियंट भी लिख सकते हैं इसको। सीधे हम लोग इसके क्वेश्चन पे आएंगे, सबसे पहले परिसर के क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 20, 7, 15, 29, 35 का परिसर ज्ञात करना है, यानी कि रेंज फाइंड करना है। तो रेंज क्या हो जाएगा बच्चों बताइएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है 35 और मिनिमम वैल्यू क्या है 7, डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 28। ये सवाल कई बार पेपर में पूछा गया है आपके यूपीएसआई में, इस बार भी आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे को ध्यान देना है। देखिए ये तो कमेंट से भर दिए हैं पूरा, प्रिंस गुप्ता रॉक सर यूपी ट्रिपल एसएससी का रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड करवा दीजिए सर, वेबसाइट ना चलने के कारण से फॉर्म नहीं फिल हो पा रहा, सर आप ही कुछ कर सकते हैं, सर आप ही हम को साल बचा सकते हैं। बाबू देखिए लोग तो लगे हैं डेट एक्सटेंड कराने के लिए, देखिए क्या होता है, ठीक है, कहीं ट्विटर अभियान चले तो जरूर उसमें सहयोग करिएगा। चलिए 28 दिया है प्रीति यादव ने, सत्तम अग्रहरी ने, सुभाष यादव ने, इन लोगों ने आंसर दिया है। संस्कृत संस्कृति वर्मा आंसर नहीं दे रहे हैं, गुड इवनिंग बोल रहे हैं। संजना गुप्ता 28 आंसर दी है ये, चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों परिसर निकालना क्या है, वॉट इज इट बताइए, इट इज हलवा बच्चों, इट इज हलवा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है। कोई सवाल पूछा यूपीएसआई में परिसर बताइए तो चुटकियों में नहीं बता देंगे, पूछा ही जाएगा परिसर, पूछा ही जाएगा आपसे, तो इट इज बच्चों हलवा, आराम से इसको आप खा सकते हैं, पेट भी नहीं खराब होगा, देशी घी का शुद्ध हलवा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन में, परिसर ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। आप यहां देखिए सबसे हायर वैल्यू 25 है और लोअर वैल्यू ऑफ वेरिएट क्या है बच्चों 5 है, तो रेंज क्या हो जाएगा बताइएगा, रेंज हो गया 25 और माइनस 5 कितना आएगा 20 आएगा, क्लियर हो गया। अब आइए इसका भी परिसर ज्ञात करना है, आपसे आपसे पूछा गया है, सेंट्रल इंटरवल सॉरी क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब पूछा गया बच्चों तो सुनिएगा, जो यहां पर आपको निकालना है परिसर, तो परिसर इसका क्या होगा रेंज, सबसे अपर लिमिट 40 है, 40 में से लोअर लिमिट 20 माइनस कर दीजिए कितना आएगा 20, ये आपका रेंज हो जाएगा, ये आपका रेंज हो जाएगा, हर एक बच्चा देखेगा। क्लियर हो गया, आ गई बात समझ में। अब चलिए विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक, ठीक है, अब देखिए माध्य विचलन, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, हर एक बच्चा देखेगा माध्य विचलन मीन डेविएशन ये कैसे निकलता है बच्चों। इसको निकालने के दो मेथड मैं आपको बताऊंगा, समांतर माध्य द्वारा माध्य विचलन ज्ञात करना और माध्यिका द्वारा माध्य विचलन ज्ञात करना, दो प्रकार इसे दो प्रकार से ज्ञात करना सीखेंगे। पहला है बच्चों कौन सा, पहला है समांतर माध्य द्वारा माध्य विचलन ज्ञात करना और दूसरा है माध्यिका द्वारा माध्य विचलन ज्ञात करना। ये दोनों चीजें आपको सीखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माध्य विचलन द्वारा सॉरी समांतर माध्य द्वारा माध्य विचलन ज्ञात करिए, ये भी कह सकता है कि माध्यिका द्वारा माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, ये दोनों चीजें सीखना है, पूछता है इसी तरीके से।
बच्चों ये दोनों में थोड़ा सा फर्क तो रहेगा ही, इससे जो माध्य विचलन आएगा एक ही डेटा का और इससे जो माध्य विचलन आएगा एक ही डेटा का, थोड़ा सा डिफरेंस उसमें रहता है। कौन ज्यादा परफेक्ट होता है आपका, अगर माध्य विचलन समांतर माध्य की तुलना में अगर माध्यिका से ज्ञात कर रहे हैं तो ज्यादा परफेक्ट होता है, लेकिन वो एग्जाम में लिखेगा कि आपको माध्य विचलन ज्ञात किससे करना है, वो लिखेगा एग्जाम में। क्लियर है? अब जब हम इसको करने जा रहे हैं तो सीधे क्वेश्चन से करें तो ज्यादा बेहतर है। आइए देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा। पांच विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं 60, 70, 75, 80 और 85। समांतर माध्य से माध्य विचलन आपको ज्ञात करना है, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले इसका हम निकालेंगे समांतर माध्य, एक्स बार निकालेंगे, क्या आएगा 60 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 85 और बटा में क्या 5 आ गया, तो माध्य कितना आया 74 आ गया, माध्य आ गया बच्चों 74। अब हम यहां निकालेंगे विचलन, विचलन इसी सेंट्रल वैल्यू के सापेक्ष निकालेंगे बच्चों विचलन। ये जो वेरिएट्स यानी कि चर मूल्य दिए गए हैं इस 74 से कितनी दूरी पर है, कितने पास में है, कैसे पता चलता है विचलन से, डेविएशन से, कितना डेविएट हुआ है। क्लियर है? ध्यान से देखिए, विचलन, विचलन को कहते हैं बच्चों एक्स माइनस एक्स बार कहते हैं, और इसका लेंगे क्या मॉड, क्योंकि विचलन जो है हमेशा धनात्मक लेना होता है। जैसे मैंने वहां बताया था नहीं कि कोई कम दूरी पर है तो नेगेटिव पॉजिटिव से दर्शाने की जरूरत नहीं, उसको हमेशा जो भी दूरी लेंगे वो क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, इसलिए यहां विचलन लेने के लिए मॉड लगा दिया जाता है। इसलिए विचलन लेने के लिए क्या कर देंगे मॉड, चूंकि यहां पर टेबल बना बनाया दिया हुआ है इसलिए मैंने कर दिया, नहीं तो ये सारे काम हम बिना टेबल के भी कर सकते हैं। देखिएगा एक्स माइनस एक्स बार बच्चों 60 माइनस 74, मॉड लगा हुआ है तो वैसे तो आ रहा है माइनस 14, लेकिन लिखेंगे क्या 14 लिखेंगे, ये हो गया 70 माइनस 74, मॉड लगा हुआ है तो बच्चों ऐसे तो आ रहा है माइनस 4, लेकिन लिखेंगे इसको 4। हर एक बच्चा देखे यहां 75 माइनस 74, ये तो आ रहा है प्लस 1, तो यहां लिखेंगे 1 ही लिखेंगे। 80 माइनस 74, यहां क्या लिख देंगे बताइए 6 लिख देंगे, और देखिए यहां क्या हो गया आपका 85 माइनस 74, बहुत गर्मी लग रही है आज मुझे, कितना आएगा 11 आ गया बच्चों। तो यही विचलन है, आप जो दूरी चेक करेंगे किससे चेक करेंगे, अगर समांतर माध्य के सापेक्ष आप माध्य विचलन निकाल रहे हैं, समांतर माध्य यानी कि एएम के सापेक्ष, तो जो आप दूरी देखेंगे इसी सेंट्रल वैल्यू एएम से देखेंगे तो घटाकर ही तो पता चलेगा। जो ये चर मूल्य है 14 दूरी पे है, 70 चर मूल्य 4 दूरी पे है, 75 चर मूल्य इस अपने सेंट्रल वैल्यू 74 से आपका 4 दूरी पर है, 75 जो है 1 दूरी पर है, 80 आपका 6 दूरी पर है, 85 आपका 11 दूरी पर है। दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है इसलिए यहां मॉड लगा दिया गया। तो अब निकालने जा रहे हैं बच्चों माध्य विचलन, माध्य विचलन ध्यान से देखिए, तो माध्य विचलन का बच्चे पैटर्न क्या हो जाएगा देखिएगा, सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स बार, आ गया समझ में, सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स बार, एक्स तो क्या लिखते हैं एक्स आई भी लिखते हैं कहीं कहीं, ये सब तो सीख चुके हैं आप, और बाई क्या होगा एन, हमें इसका क्या निकाल लेना है एवरेज निकाल लेना है, तो बाई एन कर दिया। एन क्या है, इन वेरिएट्स की संख्या है, कितने वेरिएट्स है 2, 2, 4, 1, 5 है, तो बच्चों इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स बार क्या आ रहा है जोड़कर 36 आया, तो यहां बस हमको क्या करना है, जो सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स बार आया है 36 यहां लिखिए और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 5 करेंगे, हाउ मच विल बी द आंसर बच्चों 7.2 आ गया, ये माध्य विचलन है। आ गया समझ में, मिल रहा है बाबू, दबा बाबू वाली मिल गई, देख लीजिए मिल जाए तो सही है, ठीक है चलिए 7.2। अरे मेरे बालक विकास वर्मा, अभी तो सब इतना इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, शीट की पढ़ी है आपको, अभी लगाइए ना एक एक सवाल बार बार वीडियो देखकर, शीट शीट का गारंटी दे रहा हूं एक भी सवाल पूछना नहीं पड़ेगा, सब लगा लेंगे, हो गया ये। तो बच्चों ये आपका इंडिविजुअल डेटा सीरीज था, आ गया समझ में, रॉ डेटा पैटर्न यहां पर है आपके सामने, इंडिविजुअल डेटा सीरीज है, व्यक्तिगत श्रेणी है जिसमें केवल एक्स दिया रहता है, इसको व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, एक्स दिया हुआ है।
अब आइए खंडित श्रेणी का अगला उदाहरण हमारा होगा जिसमें एक्स और एफ डिस्क्रीट सीरीज पे आते हैं, एक्स और एफ दोनों दिया होगा। आ जाइए देख लीजिए, यहां देखिए एक्स और एफ दोनों दिया हुआ है। क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष, माध्य यानी कि समांतर माध्य, मानिएगा माध्य मतलब समांतर माध्य, अगर क्वेश्चन में माध्य लिखा हुआ है तो इसका मतलब केवल समांतर माध्य होता है। वैसे तो हम सेंट्रल टेंडेंसी में माध्य माध्यिका को भी कहते हैं और बहुलक को भी कहते हैं, समांतर माध्य तो है ही माध्य, ठीक है सबको कहते हैं। ध्यान से देखिए तो बच्चों यहां पर हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है, सबसे पहला टारगेट है माध्य निकालना, यानी कि एवरेज या मीन या अर्थमेटिक मीन जो कहिए वो। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एक्स आई और एफ आई निकालना पड़ता है कि नहीं, एक्स आई और एफ आई थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए अब ये एक्स आई एफ आई कितना है, यहां चार, यहां कितना 40, यहां कितना 60, यहां 56 और यहां 80, यहां 60। एवरेज निकालना है तो पहले आपको एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी का सम ही एन कहलाता है, सिग्मा एफ आई को ही एन कहते हैं, तो ये आ गया 40। अब हमें क्या चाहिए बच्चों माध्य निकालने के लिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, ये कितना हो रहा है जोड़ने पर कितना आया 300 आ गया टोटल। हर एक बच्चा देखे अब हमें चाहिए पहले औसत या समांतर माध्य या माध्य कितना आएगा, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एन, यही होता है एन का मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, यानी कि सिग्मा एफ आई। तो ये कितना हो गया मेरे बच्चों, ये हो गया आपका 300 आया है एफ आई एक्स आई एवरेज या अर्थमेटिक मीन निकालना जानते हैं ना, और एन का मान आया 40, कितना आया 7.5 आ गया बच्चों, ये एक्स बार की वैल्यू यानी कि मीन आ गया आपका 7.5। हर एक बच्चा देखेगा हो गया ये। अब क्या होगा यहां पर, अब हम यहां निकालेंगे बच्चों डेविएशन, क्या निकालेंगे डेविएशन विचलन निकालेंगे, तो ये पार्ट हमारा किसका होगा विचलन का, मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, सही है बच्चों ये विचलन निकाला जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान देगा विचलन यहां निकालेंगे, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखिए। अब देखिए कितना आएगा विचलन यहां पर बच्चों, दो में से थोड़ा बड़ा कर लूं पहले बाद में छोटा कर दूंगा, देखिएगा करना पड़ेगा आपको 2 - 7.5 मॉड लगाकर कितना आ रहा है, यार 5.5। अब देखिए थोड़ा इसको पतला कर लें बच्चों, देखिए यह आएगा 5 - 7.5 मॉड लगा हुआ है, यह आ गया कितना 2.5। इसी तरह से इसको लेंगे तो यह कितना आएगा 1.5, इसको लेंगे तो यह कितना आएगा 0.5, इसको लेंगे तो कितना आएगा 2.5 और यह लेंगे तो कितना आएगा, यह आ रहा है 7, ये हो गया 4.5 हो गया मेरे बच्चों, समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट काम करेंगे बच्चों, यहां पर हम एफ आई से एक्स आई माइनस एक्स बार में मल्टीप्लाई करेंगे, आया समझ में, क्योंकि ये 5.5 का जो विचलन है ये आपके दो फिगर में होगा, कितने फिगर में होगा दो फिगर में, पिछले सवाल में फ्रीक्वेंसी एक एक थी ना, एक एक थी, यहां पर दो की फ्रीक्वेंसी दो है और विचलन आ गया 5.5, सेंट्रल वैल्यू से 5.5 दूरी पर है ये, तो विचलन आ गया पहले वाले वेरिएट का दो का जो वेरिएशन आ गया, सॉरी डेविएशन आ गया, वो आ गया आपका 5.5, क्लियर है। तो बच्चों इस 5.5 का जो डेविएशन होगा दो फिगर में होगा ना, दो वेरिएबल में होगा ना, बताइए, तो इसलिए हम यहां पर 5.5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, दो का, थोड़ा आगे बढ़ा ले नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा हमारा, रुकिए सब मिटा देते हैं, ये कहां गया, थोड़ा साफ साफ लिख दूं, जरूरत पड़ रही है, यही तो एक ही सवाल तो अच्छे से समझाना है, एक समझ में आ गया फिर दिक्कत ही नहीं है। देखिए यहां आ गया विचलन,
विचलन का मतलब मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, सही है बच्चों। तो 2 माइनस 7.5 मॉड लगेगा, वैल्यू क्या आ गई बताइए, ये आ गई आपकी 5.5, पूरा लिखिए, यहां हो गया आपका 5 माइनस 7.5, सही है बच्चों, कितना आ गया, ये आ गया 2.5, मॉड 6 माइनस 7.5 ये कितना आ गया 1.5, ये मॉड 8 माइनस 7.5 कितना आ गया 0.5, यह आ गया मॉड 10 माइनस 7.5 यह आ गया आपका 2.5, फिर मॉड 12 माइनस 7.5 यह आ गया बच्चों 4.5 हो गया। ये हमने विचलन निकाल लिया। अब देखिएगा ध्यान से इसको, ये कट कैसे होता है, अशफाक सर आके बताइए कट कैसे, इसको थोड़ा छोटा करके कैसे लगाएंगे, हम इसको मिटाना नहीं चाहते प्लीज। देखिए महान टीचर आपके सामने आ गए हैं, पीटी का फ्री बैच लेकर आए हैं, अरे कट करके कहीं चिपकाना है, कट करना कैंची से काटिए, ये तो आना चाहिए ना आपको कि उठा के छोटा करके, इसको छोटा करिए, यहां से कैसे छोटा होता है इतना पूरा, तो आपको वो तरीका पता होना चाहिए ना काट के छोटा कैसे करते, ये क्या कर रहा है, ये करना ही नहीं है, केवल इसको काट के छोटा नहीं कर सकते, जाइए बैठिए, कोई बात नहीं बच्चों। देखिए हम लोग अभी इस मैटर में अज्ञान है, कोई बात नहीं, इसको मैं मिटा ही देता हूं, यहां पर कहीं मैं निकाल के दिखा देता हूं, एक्स बार जो आएगा वो आपका वो कितना आ रहा है, यह आ रहा है सिग्मा एफ एक्स बाई एन, तो यह आ गया कितना 300 बटा में 40, कितना आ गया बच्चों 7.5, इसी का यूज किए थे एक्स बार यानी कि अपने माध्य का। अब हम क्या करेंगे, एक कॉलम हमारा और बनेगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है समझिएगा, यह किसका होगा कॉलम बच्चों, हम फ्रीक्वेंसी का इस विचलन में गुणा करेंगे, अनिवार्य है फ्रीक्वेंसी का विचलन में गुणा करना अनिवार्य है, क्योंकि यह जो विचलन है आपका डेविएशन 5.5 का है, यह दो आंकड़ों में है, 2.5 का 8 आंकड़ों में डेविएशन है, तो टोटल डेविएशन के लिए हम मल्टीप्लाई करके फिगर निकालेंगे, तो अब हमें निकालना है एफ आई और मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, ये निकालना है, ये मल्टीप्लाई होगा, तो बच्चों कितना आएगा 5.5 इंटू 2 कितना 11 आ गया। अब देखिए ये 2.5 इंटू 8 कितना, ये आ गया 20। अब देखिए ये है आपका 1.5 इंटू 10 कितना आ गया 15। अब इसको देखिएगा, ये हो गया आपका 0.5 इंटू 7 कितना 3.5। अब देखिए इसका ये आ गया 2.5 इंटू 8 कितना 20। अब देखिए 4.5 इंटू 5 कितना 2.5 हो गया, ये निकालना अनिवार्य है। अब हमारा निकालना है माध्य विचलन, ध्यान दीजिएगा, तो माध्य विचलन का जो पैटर्न है वो क्या है देख लीजिएगा फॉर्मूला, माध्य विचलन अशफाक सर इसको तुरंत वो करिए, देखिए कितना खराब लिख रहा है, हमें ज्यादा चूंकि लिखना होता है तो पूरा ये भर जाता है, बहुत खराब हैंडराइटिंग हो जा रही है। माध्य विचलन मेरे बच्चों हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब आप इन सबको जोड़ दीजिए, वही सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा एफ आई, ये नहीं कि सिग्मा एफ आई अलग है और ये अलग है, ऐसा नहीं है, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड में है, इसका मतलब बच्चों ये फिगर जो दिया है, ये जो फिगर आया है इसका समेशन लीजिए, तो सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी आई बताइए, कितनी आ रही है 92 आ गई, 92 92 आ गई, हर एक बच्चा देखे, और ये 92 निकालने के बाद यहां रखिए और किससे डिवाइड करिए, एन से, एन का मतलब सिग्मा एफ आई, ध्यान से देखिए सिग्मा एफ आई यही है आपका एन, तो ये फॉर्मूला हो गया किसका,
माध विचलन निकालने का, डिस्क्रीट डेटा का जिसमें एक्स और एफ दिया होता है उसका ये फॉर्मूला हो गया। सेम यही फॉर्मूला क्लास इंटरवल वाले के लिए भी होगा, लेकिन वहां माध निकालने का सिस्टम आपको ध्यान देना है बस। चलिए देखिए, तो मान डालिए कितना आया, 92 और बटा 40 कितना आ गया, 2.3। बच्चों आप पिछले वाले सवाल में देखिए, यहां 7.2 आपका माध विचलन आया है और यहां माध विचलन 2.3, तो कौन सा आपका डेटा कंसिस्टेंट होगा, ये वाला डेटा आपका क्या है, कंसिस्टेंट है। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, ध्यान से देखिए, ये ज्यादा संगत है। इसमें माध्य विचलन देख लीजिए 2.3 है, क्लियर है बच्चों। वैसे तो विचलन गुणांक निकालना पड़ेगा आपको, तब मीन डेविएशन वाला कोफिशिएंट निकालते हैं तो वहां से कंपेयर होता है। खैर उन सब चीजों पे हमें नहीं जाना, हमें तो केवल न्यूमेरिकली क्वेश्चन हिट कर देना है जिस तरह से मैंने बताया है। सबको समझ में आया, 40 से डिवाइड होगा, बहुत बढ़िया, सब मेरे बच्चे ज्ञानी हो गए। 15.3 कौन दिया भाई, 15.3 कौन दे दिया, गलत है। अमरेंद्र विकास सीजीएल में पेपर थर्ड में आता है, ये पेपर थर्ड में जो स्टैटिस्टिक का पेपर होता है, सभी लोग नहीं देते वो एग्जाम, इन्वेस्टिगेटर और ये आपके डबल एओ वगैरह के लिए पेपर थर्ड होता है, उसमें ये सब पूछा जाता है, ठीक है। बाकी यूपीएसआई में तो आएगा ही, आरआरबी एनटीपीसी में तो पूछा ही जाता है, सही है। चलिए, हाँ धीरज सिंह का ये प्रश्न है, मैं उत्तर देना चाहता था। सर यूपीएसआई लीवो लर्न का मैथ और रीजनिंग का क्या सासिर अच्छा सारी सीटें यूपीएसआई लीवो लर्न के मैथ और रीजनिंग की सभी सीट टेलीग्राम पर दीजिए, ठीक है। सारे टेलीग्राम पर मिलेंगे, मिलते ही है, सारे डाले जाते हैं, सब डाले जाते हैं। चलिए, जय हिंद सर, मैं सीआरपीएफ ड्यूटी पर हूं और आपका क्लास ले रहा हूं। प्रेम प्रकाश चौबे, बहुत बढ़िया बाबू, देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं और आप आगे बढ़ने की इच्छा रखते हुए कंधे पे स्टार लगाने के लिए आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बढ़िया हो गया बच्चों। तो माध्य विचलन बड़ा सिंपल है, कुल मिला के ये जो आपका एक्स और एफ वाला आंकड़ा दिया गया था, डेटा दिया गया था जिसमें एक्स भी था और एफ भी था, मीन निकालिए, मतलब अर्थमेटिक मीन निकालिए और फिर विचलन निकाल लीजिए। निकाल लिया विचलन, विचलन का मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार का मतलब माध्य होता है समांतर माध्य का, मॉड ले लेंगे। हमेशा जो विचलन लेंगे धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक लिया नहीं जाता है। मैंने बताया कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं ली जाती है, आ रहा है समझ में। अब देखिएगा, इसके बाद हम जो भी विचलन आया है उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अनिवार्य है भाई, 5.5 का विचलन दो बार होगा तो 2 से गुणा करेंगे, टोटल विचलन कितना हो गया, 11। ऐसे करना पड़ेगा सबका, समझ में आया आपको। फिर ले लेंगे आप इसका योग, इसके योग को बोलेंगे सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। कुछ लोग अलग अलग ना समझ लें इसको, ठीक है बच्चों, कंफ्यूजन में मत रहिएगा, इन सबका योग है सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। और एन, एन आप जानते हैं, बहुत दिन से सीख रहे हैं, एन क्या है, सिग्मा एफ आई है या सिग्मा एफ है, भाग दे दीजिए बारंबारताओं के योग से, हो गया काम। तो ये ऐसा आपके पास आंकड़ा दिया था, सारणी दी गई थी जिसमें एक्स और एफ था। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें दिया होगा आपका क्या, बताइए, क्लास इंटरवल। आइए देखिए, आ गया क्वेश्चन सामने, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ, सेम फॉर्मूला वही रहेगा, सारा सिस्टम वही है। प्राप्तांक ये हो गया बच्चों आपका क्लास हो गया, ये एफ आई हो गया। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एक्स आई, क्या निकालना है एक्स आई, एक्स आई निकलता कैसे है, 0 + 10/2 यानी कि कितना, 5, ऐसे एक्स आई निकलता है। ये हो गया 10 + 20/2 कितना, 15। ये हो गया 20 + 30/2 कितना, ये हो गया 25। और मेरे बच्चों ये 30 + 40/2 कितना, ये आ गया 35, सही है। ये एक साई निकाल लिया हमने, इसको कहते हैं मध्यमान, जानते हैं आप लोग सारे लोग मध्यमान, ठीक है, सॉरी हो गया। अब बच्चों हमको सबसे पहले माध निकालना है, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या, एक्स आई एफ आई निकालना पड़ेगा, श्योर है। तो कितना आ गया, 15, ये कितना 60, ये कितना 175, हर एक बच्चा देखेगा, और ये हो गया आपका 210, समझ में आया। यहां से n निकालिए, n कितना आया,
सबको जोड़िए, 20 आ गया बच्चों। यहां से आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आएगा, इसकी आवश्यकता तो है ही माध्य निकालने में, कितना 460 आ गया। सबसे पहले माध्य निकालेंगे एक्स बार, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई और बाई क्या एन होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 460 और एन की वैल्यू कितनी है 20, कितना आ रहा है 23 आ गया 23। अब निकालेंगे विचलन, विचलन कैसे, एक्स आई माइनस एक्स बार से मॉड लगा रहेगा। तो बच्चों देखिए आपका एक्स आई यही लेंगे 5 माइनस 15, मॉड लगाइए कितना आया 10, 5 माइनस 23 बच्चों 5 माइनस 23 कितना आ गया 18। फिर आपका ये 15 है, देखिएगा ये मिड वैल्यू इसकी 10 20 की कितनी आई है 15, तो 15 माइनस 23 कितना, मॉड लगाइए 8 आ गया। बच्चों ये हो गया आपका 25 माइनस 23, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही कितना 2 आ गई, और ये कितना हो गया 35 और माइनस 25 कितना आ गया 23 कितना आ गया, आ गया बच्चों 12। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसका योग नहीं ले लेंगे यहां पर, अब हमें निकालना है एफ आई मॉड एक्स आई आई है और माइनस एक्स बार, मतलब जो भी हमारा विचलन आया है, जो डेविएशन यहां दिखाई दे रहा है 18, 8, 2, 12, इसमें इनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए 3 × 18 = 54, बहुत खराब चल रहा है बाबू आज, अशफाक सर सही करिएगा। ये हो गया 4 × 8 कितना 32, ये बच्चों क्या है 7 × 2 कितना 14, और ये 6 × 12 कितना कितना हो गया बच्चों 72। हर एक बच्चा ध्यान दे, कोई डाउट। अब देखिए हमारा जो मीन डेविएशन निकालने का सिस्टम था माध्य विचलन, वो पुराना वाला ही है, माध्य विचलन बहुत खराब चलने लगा। माध्य विचलन ध्यान से देखिए, माध्य विचलन का सिस्टम क्या है, सीधे सिग्मा एफ आई फिर मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, बोर्ड बोर्ड सही चल नहीं रहा है, पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही, और बाई एन चल नहीं रहा है सही, बहुत ओवरलोडेड है। पिछला वाला ही फॉर्मूला है, बताइए बच्चों है कि नहीं पिछला फॉर्मूला, देखिए अशफाक सर से बच्चे ने पूछा है लीवोलेन पे क्वालिटी कम तो हो रही है बाबू, चलिए आइए देखिए। अब यहां निकालेंगे हम सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार थोड़ा पेन सही नहीं चल रहा इस वजह से प्रॉब्लम हो रही, कितना आ रहा सब जोड़कर 170 आया, ध्यान से देखिएगा कितना आ रहा है 172 सॉरी। क्या करेंगे 172 में भाग देंगे आप किससे 20 से, कितना आ गया 8.6, ये आ गया माध्य विचलन मीन डेविएशन ऑफ ऑफ क्लासिफाइड डेटा, क्लियर है 8.6 दिया है बच्चों ने, 172 सत्यम बता रहे थे आ रहा है, बहुत बढ़िया सीख गए कि नहीं आप लोग, माध्य विचलन समांतर माध्य से निकालना सीख गए कि नहीं, शीट नहीं पहले ये सीखिए उसके बाद शीट तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। नवाज हैदर इस बार अच्छा से अच्छा आप कट ऑफ लेकर चलिए, और इस बार कंपटीशन ज्यादा है, सब बौखलाए हुए हैं हमारे छात्र कि आए एग्जाम का डेट और हम दे एग्जाम और क्वालिफाई करें, तो इस केस में मेरिट चढ़ जानी है। मैथ्स भाई राजू दिलदार क्या बात है, तो राजू दिलदार सीट टेलीग्राम पर सब मिलेगी। नवाज हैदर पिछली बार से राइज करेगी, कट ऑफ पिछली बार से राइज करेगी, जल्दी हम यूपीएसआई पे सुन लीजिएगा, यूपीएसआई का फ्री 2 प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूं मैं, 2 फ्री प्रैक्टिस बैच, एक होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस और एक होगा आपका कौन सा प्रैक्टिस बच्चों, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस।
दोनों कैटेगरी के बच्चे हमारे पास है, एक जिन्होंने तैयारी कंप्लीट कर रखी है उनको केवल मिक्स प्रैक्टिस चाहिए, एक जिनकी तैयारी अगर पढ़े हुए हैं लेकिन वो लॉकडाउन में सब भूल भूल गए हैं, तो उनके लिए हम लेकर आ रहे हैं टॉपिक वाइज रिवीजन प्रैक्टिस बैच। ये दोनों बैच बड़े इंपॉर्टेंट है, और कोई भी बच्चा चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा है वो दोनों बैच कर ले, प्रैक्टिस वहां से भी कर ले, सवाल तो सवाल, चाहे वो यूपीएसआई का हो चाहे आपके एसएससी सीजीएल का हो, सवाल तो सवाल होता है। आप यूपीएसआई में भी अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आपको पता है इस बात को। चलिए, और उन्हीं अच्छे क्वेश्चंस पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है, जो अच्छे क्वेश्चंस लगा लेगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हर एक बच्चा देखे, सबसे पहले इसका आपको क्या निकालना है, 2, 5, 3, 9, 12, 7, 6, 16, 10 दिया गया है, तो ये सब एक्स की वैल्यू है, इसकी हमें माध्यिका निकालनी है। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिख देते हैं, आरोही क्रम क्या हो रहा है, 2, 3 फिर क्या है, 5, 6, 7 फिर उसके बाद 9, 10, 12, 16 कुल कितने हैं, एन बराबर कितना है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 विषम है ना ये, तो माध्यिका क्या होगी, माध्यिका ध्यान से देखिएगा बच्चों, माध्यिका एम क्या होगा, n+1/2 पद, यही सिखाया है मैंने माध्यिका। माध्यिका नहीं आएगा तो फिर माध्य विचलन कैसे सीखेंगे, तो माध्यिका निकाल कर हम माध्य विचलन निकालना आपको बताएंगे। तो n की वैल्यू हो गई 9, 9, 1, 10, 10/2 यानी कि पांचवा पद, और मेरे बच्चों पांचवा पद क्या है, पांचवा पद बताइए, पांचवा पद 7 है, 7 है, ध्यान से देखिएगा, पांचवा पद क्या है, 7 है, हर एक बच्चा देखिए। अब मैं इसको डिलीट ही कर देता हूं, रुकिए, लीजिए डिलीट ही कर देता हूं बच्चों, कोई जरूरत ही नहीं थी इसकी, क्यों नहीं डिलीट हो रहा है, ये बड़ा मेहनत आज हो रही है बच्चों राइटिंग में, कई हथकंडे हैं हमारे पास, ऐसा थोड़ी है कि केवल थोड़ा नॉलेज कम है बोर्ड का, काम तो निपटा ही देते हैं बच्चों। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर निकालेंगे बच्चों सिग्मा मॉड एक्स माइनस एम निकालेंगे, आया समझ में, एक साथ हम टेबल नहीं बना रहे हैं इसके लिए, आप चाहे तो बना सकते हैं। देखिए हमारी जो माध्यिका आई है 7 आई है, 7, 2 का अंतर सीधे बताइए, 5 आ गया, प्लस ही लेना है, अंतर ही लीजिए, 7, 2 का अंतर 5, 7, 3 का अंतर 4, 7, 5 का अंतर 2, 7, 6 का अंतर 1, 7 और 7 का अंतर 0, 7 और 9 का अंतर 2, 7 और 10 का अंतर 3, 7 और 12 का अंतर 5, 7 और 16 का अंतर बताइए 9। अब देखिए इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 31 आ गया। बच्चों चाहिए माध्य विचलन, माध्य विचलन माध्यिका से, फॉर्मूला वही पुराना वाला है, सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस एम, बच्चों यहां एम हो जाएगा, बस एक्स बार के बदले क्या हो गया, एम हो गया, फॉर्मूला सब वही है, बाई एम, इसका मान कितना आया है 31, और एम की वैल्यू क्या है 9 है ना बच्चों, कितना आया, कितना रहा 9, 3, 27, 3.4 ये आ गया आपका माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष, सीख लिए, ये आपका पूरा सोल्यूशन है, मतलब अब आगे का क्वेश्चन मैं कराऊं भी ना तो भी आप कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, बस माध्यिका निकालिए और सिस्टम बना दीजिए, आ रहा समझ में, आइए चलिए देखिए, एक्स आई एफ आई दिया हुआ है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बताना है, इसमें एक्स आई एफ आई दोनों दिया गया है, तो सबसे पहले तो हम इसकी माध्यिका निकालेंगे, माध्यिका निकालना मैंने सिखाया ही है, इसकी क्यूमुलेटिव
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चों? ये कितना हुआ, 3, 7 कितना, 12 कितना, 14 18 23 हो गया, 27 और बच्चों ये कितना हो गया, 30। ठीक, अब देखिए n की वैल्यू निकालिए, n कितना है बताइए, 30 है, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। 30 क्या है, एक सम संख्या है बच्चों। तो देखिए माध्यिका निकालने का सिस्टम क्या होता है, n बाई टू वह पद और प्लस n बाई टू प्लस वन वह पद, यही होता है, सब सिखा चुके हैं हम आपको। बाई टू मतलब बच्चों n बाई टू वह पद कितना हो जाएगा, 15, 15वां पद प्लस 16वां पद और बटा में 2। बताइए 15वां पद इसमें क्या है, 15वां पद निश्चित रूप से बच्चों क्या होगा, 13 होगा। देख लीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां 14 है, 14 के आगे 15 से लेकर 18 तक फिगर इसमें आएंगे, 13 होगा तो 13 और 16वां पद क्या होगा, यह भी 13 है और बटा में 2 कितना, 13 आ गया मेरे बच्चों। ये मीडियन आ गया, ध्यान से देखिए ये आ गया मीडियन। अब हम यहां क्या निकालेंगे, विचलन, विचलन माध्यिका के सापेक्ष, तो ये लिखेंगे मॉड एक्सआई माइनस एम। बच्चों बताइएगा, ये आएगा आपका 3 माइनस 13 कितना आया, 10। अब बताइए 6 माइनस 13 कितना आया, 7। ये आ गया 9 माइनस 13 4। ये आ गया 12 माइनस 13 1। ये आ गया 13 माइनस 13 0। ये आ गया आपका 15 माइनस 13 मॉड लगा हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू उठाई जाती है 2। दूरी हमेशा धनात्मक, दूरी हमेशा धनात्मक। ये कितना, 21 माइनस 4 कितना, 21 सॉरी बच्चों थोड़ा सा गर क्या बताया, 21 माइनस 13 कितना, ये आ गया 8। और फिर 22 माइनस 13 कितना, 9। ये लीजिए आ गया। अब क्या करते हैं, इसमें तो फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, जैसे पिछले सवाल में हम काम किए थे वो काम यहां भी करेंगे, फ्रीक्वेंसी का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 10 जो विचलन है हमारा, 10 जो हमारा विचलन है बच्चों वो 3 बार है, 7 जो विचलन है वो 4 बार है, 4 जो विचलन है 5 बार है, तो सबको गुणा करना पड़ेगा। तो अब निकालेंगे एफ आई और मॉड एक्स आई माइनस एम, समझ में आ गया बच्चों? बताइए ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 30 हुआ, ये हो गया 6 गुणे, सर की क्लास भी है ना, समय हो चुका है, 4 गुणे 7 बच्चों कितना, 28। ऐसे ही 5 गुणे 4 कितना, 20। फिर उसके बाद 2 गुणे 1 2 4 गुणे 0 0 अगला क्या आएगा, कितना आया, 5 गुणे 2 10 फिर 4 गुणे 8 32 फिर अगला कितना आ रहा है, 3 गुणे 9 27। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, यहां क्या निकालेंगे, यहां हम निकालेंगे, हर एक बच्चा देखे, यहां निकालेंगे हम सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम कितना आ रहा है, टोटल जोड़कर सबको जोड़ेंगे 149। अब देखिए जो माध्य विचलन हमारा फॉर्मूला बनेगा, कितना खराब लिख रहा है बच्चों, ये हैंग कर गया बहुत ज्यादा, विचलन बनेगा सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम, सेम वही माध्य वाला ही फॉर्मेट है, लेकिन बस यहां पर एक्स बार ना होके एम हो गया और बाई एन। बताइए इसकी वैल्यू आई है 149 और एन की वैल्यू 30 कितना हुआ, 4.97 आ गया, ये आपका रिजल्ट है, समझ गए, 4.9 बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। विकास जायसवाल मेरी सिकड़ी से हो रहा, सर जी आज बता के जाना कि आपकी शादी
अच्छा शादी नहीं, हमें शादी ही हमेशा समझ में आता है। चलिए, सिकड़ी सोने की है या आर्टिफिशियल? अगर सोने की है तो कितने का है? सर जी विकास जायसवाल, तो जायसवाल जी सोने की ही है, ठीक है, और कितने की है ये नहीं पता, जब लिया गया था तो कम था, अब तो शायद बढ़ गया होगा, जान ही रहे महंगाई बढ़ गई है। बहुत बढ़िया आंसर दिया। देखिए ये वाला एक सवाल था, ये सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका माधिका निकालकर माधिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिएगा, माधिका निकालकर माधिका के सापेक्ष माध्य विचलन, फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला सेम वही है। बच्चों यहां निकाल लिया सी एफ आपने, माधिका निकाल लिया आपने, एन निकल आएगा, समझिएगा बात। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, सीधे सीधे एक्स आई निकालना ही पड़ेगा, यहां यहां क्या निकालना पड़ेगा, देखिए सी एफ निकाल लिया, फिर यहां पर एक्स आई निकालना पड़ेगा, 0 प्लस 10 बाई 2 कितना 5, ये निकालना पड़ेगा, तभी जाकर आप क्या निकालेंगे यहां पर बताइए, एक्स आई माइनस एम निकाल पाएंगे, और फिर यहां पर आपको एफ आई इंटू मॉड एक्स आई माइनस एम निकालना ही पड़ेगा, आया समझ में? फिर सिग्मा इसका ले लेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम, और एम से डिवाइड कर देंगे, पुराना वाला पैटर्न हो जाएगा। ये चीज निकालनी पड़ती है आपको यहां पर, माधिका निकालने के बाद ये काम एक्स आई वाला करना पड़ेगा, एक्स आई वाला करना पड़ेगा, घर से करिएगा, समय हो चुका है, सर की क्लास है, ठीक है, कल मैं ये खत्म कर दूंगा आपका, कल फाइनली आपका सांख्यिकी खत्म, केवल मानक विचलन मुझे पढ़ाना है, सांख्यिकी खत्म, कल शीट मिल जाएगी, रात में लगा लीजिएगा, परसों एक दिन में सॉल्व करवा देंगे, फिर उसके बाद हमारा चलेगा डीआई, सभी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, चाहे आपका यूपीएसआई आरआरबी एनटीपीसी हो, या यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का एग्जाम हो, सब सब चलेगा। बच्चों थोड़ा सा मेरा वीडियो शेयर तो कर दीजिएगा, नहीं करेंगे, शेयर कर दीजिएगा जरा वीडियो हमारा, तो सीरियसली कह रहा हूं बच्चों, मजाक नहीं कर रहा हूं। ओके थैंक यू, गुड नाइट, लाइव आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ईमानदारी से ये सारे, आज छठा लेक्चर था, कल सातवां, और थियरी रिलेटेड आखिरी लेक्चर, परसों सॉल्विंग हो जाएगी शीट सॉल्विंग, धन्यवाद।